बेसिकली आज हमारी क्लासेस की 9वां दिन है, और जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड्स के बारे में। डैशबोर्ड्स तो हमने पीछे इस क्लास में दो डैशबोर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए, एक डैशबोर्ड जो कि पिवट टेबल के ऊपर थी, और दूसरी कल मैंने रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाए फॉर्मूले के थ्रू। तो अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड आखिर होते कैसे हैं और क्या होते हैं। अब गूगल पे जाइएगा, डैशबोर्ड सर्च कीजिएगा, तो इतना सारा इस तरह का इमेज पे जाइएगा तो इस तरह के रिपोर्ट्स आपको दिख जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर डैशबोर्ड होता क्या है। ओके, देखिए सबसे पहले उससे पहले हम जानेंगे रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट से पहले जानते हैं डेटा, डेटा क्या। डेटा को हम लोग बोलते हैं क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट जो होता है समरी ऑफ द डेटा, और डैशबोर्ड को समरी ऑफ द रिपोर्ट कहा जाता है। जैसे कल ही आपने देखा था कि मैंने अपने रिपोर्ट्स को कई सारे अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए थे, फिर से एक समरी शीट पे सब कुछ समराइज किया था, दैट कॉल्ड डैशबोर्ड। अब ऐसा इसलिए, अब देखिए कंपनी का मालिक है, अब मान लीजिए इसी रिपोर्ट को देख लेते, इसे रिपोर्ट आपने डिस्कस किया हुआ अपने क्लासेस में। अब कंपनी का जो ऑनर है उसको ये जानने की जरूरत थोड़ी है क्या क्या सेल हुआ है, वो तो ओवरव्यू जानेगा कि हाँ टोटल सेल इतना था, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, 21% के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, बस देख लेगा क्या सर। लेकिन एक जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो तो प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट देखेगा ना, भाई मेरा प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट गया है। एक सेल्स भाई अपने सेल्स एरिया मैनेजर वो अलग अलग एरिया के सेल्स को देखेगा। तो जब एक रिपोर्ट बनती है तो हर आदमी अलग अलग एंगल से देखता है, तो हमें क्या करना होता है, कई सारे रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम होती है कई सारे रिपोर्ट्स हम दे दें तो हर एक इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग, जैसे एक गाड़ी को समझते हैं, गाड़ी है तो उसका कंट्रोल जो होता है वो ड्राइवर के सीट के सामने सब कुछ होता है, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि उसको ब्रेक मारने के लिए पीछे जाना पड़े, गाड़ी का पूरा इंडिकेशन होता है सामने कि पेट्रोल क्या है, माइलेज क्या है, बैटरी चार्ज कितना है वगैरह वगैरह, डोर तो नहीं ओपन है, डिक्की तो नहीं ओपन है, समझ रहे हैं ना, चारों मिरर्स आ रहे सामने होता है, फ्रंट मिरर सब कुछ सामने होता है, सारा गाड़ी का कंट्रोल एक ड्राइवर के पास होता है। तो ड्राइवर जहाँ बैठता है उसको भी तो डैशबोर्ड ही कहते हैं ना सर। उसी तरह से जितने भी आप रिपोर्ट बनाते हैं सारे रिपोर्ट का कंट्रोल आपके एक रिपोर्ट में होना चाहिए, दैट कॉल्ड डैशबोर्ड। अब बात करते हैं कि डैशबोर्ड के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम एक्सेल पे भी बनाते हैं डैशबोर्ड, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सेल पे अगर कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपको एफर्ट, नॉलेज और टाइम तीनों चाहिए होगा, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि DSL रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट जो आपके साथ बनाया था इसको बनाने में 1 घंटा के आसपास लगा था ना सर जी। तो अब प्रॉब्लम यही पे होती है कि इस तरह की रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा एक्सेल में, और नॉलेज भी अच्छी चाहिए। तो एक सोल्यूशन है पावर BI। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट का ही पावर BI। तो इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको 8 में से 4 कंपनियां पावर BI के बारे में जरूर पूछती है। तो पावर BI क्या है? पावर BI को हम बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन टूल्स। क्या बोलते हैं? डेटा विजुलाइजेशन टूल्स, इसको हम पावर BI होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होता है, इसी को हम लोग पावर डेटा विजुलाइजेशन भी कहते हैं। तो डेटा विजुलाइजेशन की मदद से आप अपने रिपोर्ट्स बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पावर BI मिलेगा कहाँ से। तो आप गूगल पर सर्च कीजिए पावर BI और इस पर क्लिक कीजिए। पावर BI का डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है, राइट। स्टार्ट विद फ्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर BI प्रो, पावर BI डेस्कटॉप दिख रहा है,
डाउनलोड फ्री, अब जी डाउनलोड फ्री पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आक्स करके स्टोर ओपन कर देता है, जो कि दिक्कत करेगा। आप सीधे लर्न मोड पे चले जाए, लर्न मोड पे फ्री चल जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज, यहाँ भी डाउनलोड करेंगे तो आक्स खुल जाएगा। सी लैंग्वेज डाउनलोड एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे इंस्टॉल कर लो, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसको आप खोलेंगे, आप खोलेंगे ये रहा पावर बी आई डेस्कटॉप। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि आपको पावर बी आई जो है दो वर्जन में आता है, एक आता है वेब वर्जन, दूसरा आता है हमारा डेस्कटॉप वर्जन। जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट को हम पहले वेब वर्जन पर अपलोड करते हैं, वेब कंसोल पर अपलोड करते हैं, वहां से हम शेयर ड्राइव की तरह सब कुछ शेयर कर देते हैं, लिंक जनरेट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा माइक्रोसॉफ्ट की आईडी। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब पावर बीआई पे जाएंगे और साइन अप करेंगे तो आपसे जो ईमेल आईडी पूछेगा उसमें पब्लिक डोमेन ईमेल आईडी नहीं चलेगा, जैसे कि जीमेल याहू नहीं चलेगा। आपको अपने कंपनी का आईडी देना होगा और उस पे ओटीपी आएगा तो वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले आपका इस तरह का खुलता है जिसपे अभी तो आपको जब पहली बार ओपन करेंगे तो साइन इन के बारे में मांगेगा, बट मैंने तो साइन इन कर रखा है। यहाँ पे हमें कुछ ट्यूटोरियल्स और हमारे रिसेंट यूज की गई रिपोर्ट्स एंड बाकी चीजें देता है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये रहा पावर बीआई का चीज़ है। तो सबसे पहले आपको इसमें डेटा को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटाबेस से कनेक्ट करता है। अब देखेंगे मोर पे जाकर गेट डेटा पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी का जो डेटाबेसेज है वो दिख जाएगा, जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई एक्सेल के साथ कंपेटेबल तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ होता है। तो मैं यहाँ गेट डेटा पे आता हूँ और एक डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे एन डेटा है मान लीजिए, नहीं एन डेटा तो ठीक नहीं रहेगा, मैं जी में आता हूँ, डी है, हम इसी को ले लेते हैं और हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद ये डेटा को कनेक्ट करेगा, मतलब कि पावर बीआई में डेटा को लेके आएगा। जिस डेटा को लाना है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ आपको दिख रहा होगा लोड, दिख रहा है लोड, लोड ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो पावर क्यूरी पे चले जाइएगा, लोड पे क्लिक कीजिएगा तो आप आ जाइएगा पावर बीआई। अब पावर बीआई बिल्कुल पिवट टेबल की तरह है, या कह सकते हैं कि पिवट टेबल को ही अपग्रेड करके बनाया गया है। तो पिवट टेबल को ही अपग्रेड करके बनाया गया है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए डेटा के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं सारे फील्ड्स यहाँ पे आ गए। अब देखिए पावर बीआई के तीन व्यू होते हैं, पहला जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट व्यू, दूसरा आता है डेटा व्यू। इसमें जो डेटा आपने लोड किया है ना पूरा डेटा यहाँ दिखेगा, और इस डेटा में बहुत सारे कैलकुलेशन भी कर सकते। ठीक है, जी उसके बाद मॉडल आता है, कई सारे डेटाबेस को आपस में रिलेशनशिप करने के लिए मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट 1, ऐसे आप जैसे एक्सेल शीट ऐड करते हैं ऐसे कई सारे शीट ऐड करके कई सारे रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो आपका दिखता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कैनवस एरिया। आपकी जो भी रिपोर्ट होगी इसी एरिया में प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो डेटा के अंदर फील्ड्स हैं वो फील्ड्स यहाँ पे दिखेंगे, और ये विजुलाइजेशन है कि आपको क्या करना है। उसके बाद ये फिल्टर आता है, यहाँ से आप इसको ड्रॉप डाउन कर भी सकते हैं, मतलब कि कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते इस तरह से। ओके, लेकिन विजुलाइजेशन और यहाँ पे आपके दो चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिपोर्ट का ये लेते हैं हेडिंग। तो हेडिंग के लिए आपको ऊपर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स को लिया और ये अपने आप ऐड हो गया। टेक्स्ट बॉक्स को रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे डाल दीजिए कि सेल्स रिपोर्ट 2022। अब इसको साइज बड़ा करना है सेलेक्ट करके, और थोड़ी सी साइज को बड़ा कर देते हैं और इसको बोल्ड और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपका टाइटल हो गया, राइट।
अब यहाँ पे मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, तो सबसे पहले मैं ए वाला चार्ट लेता हूँ, दिख रहा है आपको, और इस यहाँ पे रखता हूँ, और इस पे मैं डालता हूँ कि रीजन, रीजन नहीं, कैटेगरी, कि कैटेगरी के हिसाब से टोटल ऑर्डर वैल्यू कितना है, या मान लीजिए टोटल ऑर्डर की क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है वगैरह वगैरह। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाला, डालने के साथ रिपोर्ट बन गई। आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे सारे फॉर्मेट्स वगैरह चेंज करते हैं। जैसे डेटा लेबल चाहिए तो डेटा लेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो चाहिए जोन के हिसाब से टोटल, पर जोन जो मैं रखना चाहता हूँ मुझे टेबल फॉर्मेट में चाहिए, मतलब डेटा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहिए, मैंने कि जो चार्ट विजुलाइजेशन नहीं चाहिए, मुझे इसको टेबल फॉर्मेट में रखता है। तो क्वांटिटी सोल्ड हमने यहाँ पे डाला, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब इसको छोटा करके हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे बार चार्ट लगानी है, मैंने ये पाई चार्ट लिया, पाई चार्ट में मैंने यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन रखा कि किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट है हमारा। उसके बाद फिर मैंने इसको लिया, इसको भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा, और इसमें भी मैं कस्टमर कस्टमर के हिसाब से अपनी टोटल प्रॉफिट शेयर ले रहा हूँ कि किस कस्टमर टाइप से मैं कितना प्रॉफिट हुआ, और इसको भी रिसाइज कर रहा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिसाइज करने पे छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जनरल, और इसमें आपको एक बैकग्राउंड दिखेगा, इसको यहाँ से अनचेक कर दीजिए, इसका बैकग्राउंड हट जाएगा, तो ये आपका अच्छा दिखेगा। हालांकि इसको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कस्टमर, यहाँ पे मैंने क्या देख ले लिया, हमने सेल्स कैटेगरी ले ली, हमने यहाँ पे जोन बाय सेल ले लिया, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉफिट बाय कैटेगरी, यहाँ पे कस्टमर ले लिया। अब मैं यहाँ पे ए वाला चार्ट लेता हूँ, ए वाला गट चार्ट, और गट चार्ट में मैं सिंपल कुछ नहीं डालने वाला हूँ, अपना टोटल क्वांटिटी सोल्ड डालने वाला हूँ कि हमारी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई। फिर मैं यहाँ डालने वाला हूँ गट चार्ट वापस लिया, और इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना टोटल प्रॉफिट ले लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। और बीच में मैं यहाँ पे एरिया चार्ट लेता हूँ, और एरिया चार्ट में हम रीजन वाइज लेते हैं कि किस रीजन में हमारा क्या सेल हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू हमने दे दिया, तो हर एरिया का अपना अपना देख दिया। उसके बाद आप, मैं यहाँ पे लाइन चार्ट ले रहा हूँ, लाइन चार्ट में मैं डेट जो है हमारा डेट को यहाँ रख दिया, और डेट वाइज मैंने यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू कर दिया। और अब यहाँ पे देखिए डेट जो है मेरा ईयर वाइज है, दिख रहा है ना सर, ठीक है। अब इसमें मुझे विजुलाइजेशन लगाना है, तो ये आपके फिल्टर है कि मुझे इसको जोन है, सब कैटेगरी है, रीजन है, क्वांटिटी सोल्ड है, डेट है, कस्टमर है, मुझे जोन के हिसाब से इसको फिल्ट्रेशन करना है, या मुझे रीजन के हिसाब से या टोटल के हिसाब से फिल्ट्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से स्लाइसर को लिया, सॉरी गलती होगी, चार्ट सेलेक्ट था इसलिए उसी पर अप्लाई हो गया, तो हमने बाहर क्लिक किया, और यहाँ पे हमने ले लिया अपना फिल्टर, फिल्टर ले लिया। फिल्टर लेने के बाद इसमें जो है हम जोन को रखते हैं,
और ये इस तरह से लिस्ट आया, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये आपका आ गया रिपोर्ट बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब मेरा रिपोर्ट बिल्कुल बन के रेडी है। तो रेडी है तो सबसे पहले तो मैं इस रिपोर्ट को करूंगा सेव। तो आपने देखा एक अट्रैक्टिव चार्ट हमने तकरीबन 15 मिनट में बना लिया, दिख रहा है सर? जी, क्या लग रहा है, 15 मिनट में चार्ट बन जाता आपका एक्सेल पे ऐसा चार्ट? मुश्किल नहीं था ना? इतनी अब यहाँ जब सारा सेव हो गया तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस चार्ट को हम शो कहाँ कहाँ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पब्लिश करना होगा। पब्लिश करने के बाद इसको जो है ये चला जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे, क्योंकि अभी जो इस रिपोर्ट को किसी को भेजना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इस फाइल को सेव करके भेज दें पावर बीआई फाइल को, या इसको पीडीएफ में, यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहा है, इसको पीडीएफ एक्सपोर्ट करके भेज, पर पीडीएफ में बहुत सारे फीचर वर्क नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको चला गया, मैंने इसको ले गया इस पे कंसोल पे चला गया। तो मैं यहाँ पे पावर बीआई क्लिक करता हूँ, लॉगिन करने के लिए पूछेगा, साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन आपको यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे मैंने पावर बीआई की साइन इन कर ली, साइन इन है, वरना आपको साइन इन कर साइन अप करके आपको एक रिपोर्ट ये बनाना पड़ेगा, एक का क्या बोलते हैं उसको, ये देखिए मेरा आईडी डाला हुआ, एक बनाना पड़ेगा, फ्री अकाउंट है, इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं है, बस आपके पास एक कंपनी की आईडी होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, अब जो मैंने रिपोर्ट डाला है डेट 30, या माई बर्थ स्पेस में आता हूं मैं, डे 10 है, डे 9 है ना, ये रहा डे 9 दिख रहा है, तो डे 9 ये देखिए इंटरनेट पे आ गया, ये आ गया डेटा, ये क्या आ गया डेटा शीट, और ये आ गया आपका डैशबोर्ड। ठीक है, ये वाले जो दिख रहा है डैशबोर्ड, अब इस पे क्लिक करूंगा तो जो डैशबोर्ड मेरा पावर बीआई में था सेम डैशबोर्ड मेरे इस सिस्टम पे आपके सामने दिख जाएगा, दिख गया सर? अब मुझे इस रिपोर्ट को किसी को भेजना है तो दो चीजें, शेयर करेंगे, पर शेयर करने के लिए आपके पास पावर बीआई का प्रो वर्जन होना चाहिए, जो कि ऑफिस में होता है। तो आप जब शेयर करेंगे उसके पास शेयर विथ मी में चला जाएगा, राइट? उसकी भी पावर बीआई कंसोल में ऑटोमेटिक चला जाएगा, राइट सर? उसके बाद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको एक्सेल में कर सकते हो, पर एक्सेल में कुछ खास आएगा नहीं तो इसको भूल जाइए। पावर पॉइंट पे करेंगे तो जैसा इमेज है लाइव डेटा एम्बेड विथ लाइव डेटा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओपन इन इन पावर पॉइंट क्लिक किए तो पावर पॉइंट में ये मेरा एम्बेड हो जाएगा। आगे सर अभी आ रहा है, लोड हो रहा है, जी बट जिसको भेजिएगा उसको देखने के लिए पावर बीआई का आईडी यहाँ आपको लॉगिन करना पड़ेगा, दिख रहा है सर? अब किसी को भेजेंगे तो अपना पावर बीआई का आईडी थोड़ी भेजेंगे, बना आप ही का डेटा एक्सेस कर लेगा पूरा। जी दूसरा, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं पावर बीआई एम्बेड इमेज में, तो एक्सपोर्ट करते ही आपको पावर बीआई में डाउनलोड होगा, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है इन प्रोग्रेस, और पावर बीआई में डाउनलोड हो जाएगा सर। तो एक हुआ कि पावर बीआई को एम्बेड कर लीजिए, मतलब कि पावर की तरह वर्क करेगा, लेकिन वही है कि आपको यहाँ पे उसकी लॉगिन करनी पड़ेगी, एक उसको इमेज के तौर पे आपको दे देगा, तो बस जैसे पीडीएफ में इमेज था ना ऐसे इमेज दिखेगा। तो लग रहा है कि ये जो इमेज वाला सिस्टम है वो उतना खास नहीं है, लेकिन फाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल कर सकते हैं, उसके बाद एक आता है वेब पब्लिश। जब पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो इस रिपोर्ट को क्रिएट एम्बेड कोड पे करें, ठीक है, पावर भी डाउनलोड हो गया, ओपन करेंगे तो ओपन होगा। दो स्लाइड बना है, एक स्लाइड में देखिए यहाँ ये जो है आपका जी इमेज है, इसमें कुछ खास फिल्टर वगैरह नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना सर? जी लेकिन मैंने अभी क्या किया, हमने अभी अभी पावर बीआई को हमने
पब्लिश कर दिया मैंने, हमने इस पे एम्बेड कर लिया। तो एम्बेड करने से फायदा ये हुआ कि अब मेरा जो रिपोर्ट है बिना किसी पावर बी आईडी के कोई भी देख सकता है और यूज कर सकता है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने किसी भी इंटरनेट पे इस लिंक ओपन करूंगा तो देखिए ये लिंक पावर बीआई का रिपोर्ट मुझे दे देगा, कहीं भी कोई भी ले सकता है और ले ही सकता है, देख भी सकता है। जैसे मुझे मान लीजिए जोन चाहिए, मैंने मार दीजिए मुझे सेंट्रल का चाहिए, तो देखिए पूरा रिपोर्ट सेंट्रल के अकॉर्डिंग आ गया। मुझे सेंट्रल और ईस्ट चाहिए, शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ होगा चाहिए, दिखा सर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो एक से ज्यादा को देख सकते हैं। वर्क हो रहा है सर? यही नहीं, इसमें एक ऑप्शन आई फ्रेम आपको देता है। आई फ्रेम क्या कर सकता है कि आपको इससे कि कोई अपना साइड है ब्लॉगर वगैरह, तो उस ब्लॉगर वगैरह साइट पे जाके इसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ एक न्यू ब्लॉग बनाया पावर बी आई रिपोर्ट्स, नेक्स्ट किया एड्रेस पावर बी आई नहीं है डैश आईपीटी ये होना चाहिए, हमने सेव कर लिया। अब यहाँ एक ब्लॉग बना रहे हैं, एक वेबसाइट मान लीजिए ना, न्यू पोस्ट में गया और हमने यहाँ HTML व्यू है ना, यहाँ पे HTML व्यू में आ गया जहाँ पे हम जो कोडिंग है जो आई फ्रेम का कोड था वो यहाँ डाल दिए। अगर आपको HTML आता है तो आप और भी चीजें कर सकते हो। इसको मैं यहां से पब्लिश करता हूं, कंफर्म। अब इसको यहां इस पे यहां पे दिख रहा है व्यू वाला निशान, व्यू आंख व्यू वाला क्लिक कीजिए। अब मेरा ये पावर बी आई देखिए मेरे वेबसाइट पे या मेरा जो ब्लॉग है उस पे मेरा पावर बी आई वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है सर। यहां पे क्लिक करके हम जूम कर सकते हैं, जूम हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट को देख सकते हैं और ये मेरा लाइव डेटा से कनेक्टेड है। मैं डेटा में कुछ चेंज करूंगा, अपडेट करूंगा, कुछ देर बाद यहाँ भी चेंज हो जाए। अब यही नहीं, अब मान लीजिए मुझे अपना रिपोर्ट किसी को भेजना है, ये तो हो गई। अब मान लीजिए कि मैं नहीं चाहता कि हर कोई रिपोर्ट बनाए देखे मेरा, तो आपके पास यहाँ एक और आता है QR कोड, ठीक है सर। अब QR कोड के लिए आपके पास मोबाइल का स्कैनर होना चाहिए तभी स्कैन कर पाएंगे जी, ठीक है। ओके एक सेकंड, आपके पास पावर बी आई का आईडी होना चाहिए। तो आप मोबाइल पे जाएंगे, QR कोड को स्कैन करेंगे, और यहां पे
सुजीत जी, ये तो शायद आप आपके डेस्कटॉप में देख पा रहे होंगे या स्कैन कर पा रहे होंगे, लेकिन आप अगर किसी को भेजेंगे तो भेजेंगे कैसे और वो उसको कैसे देखिए, देखेगा? उसको भेज देखिए, आपके पास क्यूआर को क्या, ये क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये तो आप अपने सिस्टम में नहीं, कर रहे हैं, आप देख सकते मैं अभी हैं। एक क्यूआर कोड है, मैं मोबाइल पे, आपको इसके लिए क्या करना होगा, पावर बीआई का ऐप भी आता है, ठीक है सर? हाँ। तो पावर बीआई के ऐप के अंदर जाके उस पे आपको स्कैन क्यूआर कोड आएगा, स्कैन करेंगे फिर इसको रिपोर्ट को देख पाएंगे। हाँ वो मालूम है, वो मालूम है, लेकिन मान लीजिए आपको ये रिपोर्ट शेयर करना है किसी को, तो आप इसको शेयर कैसे करेंगे? अच्छा, बस क्यूआर कोड भेज दीजिए, वो अपना अपना कर लेगा, शेयर हो जाएगा। ये क्यूआर कोड को क्या मुझे डाउनलोड करके उसको भेजना पड़ेगा, मतलब जिसको भेजना है? हाँ, उसको डाउनलोड करके भेज दीजिए, जैसे आप मोबाइल पेमेंट के लिए भेजते हैं ना सर, उस तरह से। मतलब और इस चीज को डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके उसी डाउनलोड को जी भेजना पड़ेगा, वही जी जो तो? इमेज इमेज है, उस इमेज को भेज दीजिए। अच्छा। ठीक है, अभी क्या है कि मेरा मोबाइल का जो पावर भी आई है हो गया लॉग आउट, और मैं पासवर्ड ही खोज रहा हूँ कि इसका पासवर्ड क्या है। मैं रीसेट किया है, देखिए आया कि नहीं आया। नहीं, नहीं आया, नहीं 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 आया। बड़ा मैं बताता, मोबाइल पे लॉगिन करके वहां पे जाके स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके स्कैन करने से हो जाएगा। जी ठीक है, पावर बी आई पता है इस तरह से डाउनलोड करेगा और क्यूआर कोड स्कैन करेगा, स्कैन करते हैं उसको आ जाए, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करेंगे मोबाइल स्कैनर से स्कैन नहीं होगा, ये जो स्कैन होगा उसके पावर बी आई कोड से होगा। अगर आप मोबाइल स्कैनर से स्कैन करेंगे तब क्या होगा, चलिए एक बार मैं स्कैन करता हूँ अपना सेलफोन निकाल के, आप लोग भी स्कैन करके देख सकते हैं। मैंने स्कैनर निकाला तो यहाँ पे जस्ट एक वेबसाइट का लिंक आ गया, कुछ नहीं। वही साइन इन वेबसाइट का लिंक आ गया, वेबसाइट का पे पावर बीआई ओपन कर दिया। साइन इन होने के बाद ही होगा, साइन इन का पासवर्ड बोला हूँ, पासवर्ड रीसेट करने में टाइम लगता है इसका। अब ये तो समझ गए पावर बीआई फंक्शन कैसे करता है, जी सर जी, तो पावर बीआई को कीजिए डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद कीजिए ओपन, ओपन करने के बाद आपका देखिए, आपका पता है कि ये वेब कंसोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेब कंसोल के लिए चाहिए कंपनी की आईडी, और कंपनी की आईडी पे आएगा ओटीपी, आपके पास होगी जीमेल बिल की आईडी, तो इस वेब कंसोल छोड़ दीजिएगा, इसी में आप पावर बीआई रिपोर्ट बना सकते हैं और इसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है? और आप अपने हिसाब से ओके बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाइए। अब पावर बीआई थोड़ा सा लंबा है, एक इसका कोर्स 25-30 घंटे का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, इसको डैक्स फॉर्मूला कहा जाता है, इस्तेमाल की जाती है, पावर क्यूरी का ऑप्शन है, और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, ठीक है सर? तो ये चीजें देखिए, मैंने आपको ये चीजें बता दी ताकि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप पावर बीआई पे, पावर बीआई सुन के आप जो है ये नहीं रहेंगे कि पावर बीआई क्या होता है, हमने कभी यूज नहीं किया, ऐसा वर्ड नहीं निकलेगा। यू नो पावर बीआई, अगर कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दिया तो यू कैन मेक द रिपोर्ट ऑल्सो, क्या सर? ओके और जी इंटरव्यू सर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पावर बीआई का है, इसलिए इसको अभी से जानना आपको जरूरी है, ना डिटेल ओके में तो इतना पता होना चाहिए जिससे आप अपना काम कर सकें, जी ठीक है? जी सर।
ओके okay. तो कल इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो टैबलू है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ओके ठीक है? जी तो सर, कल टैबलू के बारे में बात